हेलो गाइस, वापस से हम लोग आ गए हैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। तो बेसिकली हमने पिछले वाले एपिसोड में अपना स्पॉन होते हुए दो विलेज आ गया था। मैं दो विलेज के बीच में स्पॉन हो गया था। उसके बाद मैंने विलेज को एक्सप्लोर किया, फिर रुइन पोर्टल को एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैं अपना माइंड में चला गया, जहाँ पर मुझे ढेर सारा आयरन मिला, जिसकी वजह से मैंने अपना ये पूरा आर्मर का सेट बना लिया। तो आज की वीडियो में बनाने वाले एक घर, तो चलिए घर के लिए अपना रिसोर्स मैं आज यहाँ पे निकाल लूँगा रिसोर्स पूरा। तो घर बनाने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ वीट, कुछ शुगर केन लगा रखा था। तो चलिए फटाक से हम चल के अपना घर बनाने के लिए वुड को लेकर आते हैं। वो सबसे ज़रूरी वुड होता है। और चलिए फटाक से हम वुड कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करेंगे हम अपना। उसके बाद तब तक के लिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक अच्छे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने हार्ड एसएमपी वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मेरे सेकंड चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगी, सेकंड चैनल की। वहाँ पे जाके आप हार्ड एसएमपी की जो है वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सात 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 एपिसोड डालते हैं मैंने वहाँ पे, तो वहाँ जाके आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी सारा वुड कलेक्ट करके मैं अभी घर बनाने में जुट जाऊँगा। उसके बाद एक छोटा सा बेस बनाएंगे, कोई टेम्प्रेरी है, कोई परमानेंट बेस तो है नहीं, तो टेम्परेरी के लिए वैसे छोटा सा बना लेंगे काम चलाने के लिए। बाद में तो मैं तो पूरा कैसल बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो अभी हम अपना एरिया जो है इसको प्लान करेंगे। यहाँ से थोड़ा बहुत डर्ट निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे डर्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद चल के अपना एरिया प्लान करेंगे यहाँ से। तो थोड़ा बहुत इधर से ले लेंगे, उसके बाद पीछे से थोड़ा बहुत प्लान कर लेंगे। तो ये मैं लेआउट बना रहा हूँ घर का, जो सर्वल से बना दे रहा हूँ मैं लेआउट। और लेआउट थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसलिए पूरा घर गड़बड़ बन गया भाई। बट घर टेम्प्रेरी है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चार पांच एपिसोड चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे अपना दूसरा कुछ जुगाड़ करेंगे। तो यहाँ से मैंने अपना फ्रेम बना लिया है घर का, और अभी लगेंगे मुझे प्लैंक्स तो दो बर्च के लगेंगे। तो पहले इसको प्लेन, मतलब कि प्लेन कर लेता हूँ, डर्ट रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैं बर्च का बोर्ड काट लूँगा। तो यहाँ से काफ़ी सारे बर्च के बोर्ड काटने के बाद अब मैं चला जाऊँगा सीधा सोने के लिए। यहाँ से इसको प्लैंक बनाएंगे और एक डोर बना लेंगे। तो यहाँ से इसको जिगजैग तरीके में लगाएंगे, चेस वाले पैटर्न में, जैसे कि मैंने हार्ड एसएमपी में कैसल में लगाया था। वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट स्टोन लगा दिया था, तो एकदम चेस का पैटर्न लग रहा था। बट यहाँ पे अभी तो ब्लैक एंड वाइट स्टोन नहीं मिल पाएंगे, इसलिए बर्च और ओक के प्लैंक्स लगा दे रहा हूँ मैं। ऐसी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं कोबल स्टोन से ही बना रहा हूँ, इसलिए कोबल स्टोन क्या कहते हैं इसको यार, कोबल स्टोन की पूरा बाउंड्री बना दे रहा हूँ मैं। इसके बीच में मैं ग्लासेस लगा दूंगा, तो अपना ठीक ठाक लगने लग जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ से क्या कहते हैं इसको, कॉबल स्टोन का काम लगभग ख़त्म हो गया है। तो अभी यहाँ थोड़ा सा कॉबल स्टोन अगर कम पड़ गया, तो मैं जाके माइंस ले जाता हूँ। तो उसके लिए मुझे टॉर्चेस लगेंगे, क्योंकि माइंस में बहुत अंधेरा है। और मैंने नाइट विजन का जो मोड लगा रखा था, उसको हटा दिया, क्योंकि ये सर्वाइवल सीरीज है, इसलिए मैंने मोड हटा दिया। बिना मोड के किसी, कोई भी मोड नहीं लगाऊंगा, बिना बिना ही बिना किसी मोड के खेलूंगा इसको। तो क्रिपल फट गया भाई, अब इसको भी प्लेन करो। चलिए फटाक से कर लेता हूँ। आपको लगभग लगभग पूरी वीडियो आज की जो है फास्ट फॉरवर्डिंग में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम कर दिया था घर बनाते बनाते, इसलिए। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्या कहते हैं उसको, सैंड लगा देता हूँ स्मेल्ट के लिए, ताकि ग्लास बन जाए। और इसको डाई करेंगे
देखते हैं, जो भी डाई मिल जाएगी उसी से कर देंगे। यहाँ पे कुछ स्टेयर्स बना लेता हूँ मैं डिज़ाइन के लिए, रूफ डिज़ाइन के लिए। फ्लावर पूल मैंने बंद कर दिया, नहीं तो मैं ही जल जाता उसमें। तो यहाँ से मैं यही मैजेंटा डाई ही बनाऊंगा, मैं ग्लास को मैजेंटा ही रखूंगा। तो ग्लास को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे फटाक से, और मेरा सामने मतलब कि नीचे का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर सीधा रूफ बनानी होगी। रूफ के लिए स्टेयर्स लगेंगे, जिसके लिए मुझे लकड़ियाँ लगेंगी। तो लकड़ियाँ बहुत सारी लकड़ियाँ लगने वाली हैं, तो मैं यहाँ से ढेर सारी लकड़ियाँ काट लेता हूँ। और दोबारा से रात हो गई, फिर से सो जाता हूँ। तो अभी ढेर सारे स्टेयर्स बना के अपना काम पे लग जाता हूँ मैं। तो यहाँ से आपको थोड़ी वीडियो स्लो मिल रही, क्योंकि अब यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है। मैं एक मतलब कि सामने के लिए एक डिज़ाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, जो कि ऐसा रहेगा कुछ। हाँ, अभी एक इधर से लगा देंगे सामने से, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन अभी मुझे याद आया कि मैं दो डोर वाला घर बना रहा हूँ, तो मुझे ये सब तोड़ना पड़ सकता है भाई साहब, क्योंकि डिज़ाइन तो अच्छी लगने नहीं वाली। तो चलिए तोड़ते हैं इसको, सीधा नीचे ही चल के तोड़ते हैं। यार नहीं अच्छा लगेगा यार, तोड़ना पड़ेगा। मैं सोच रहा था एक बार देख लेता हूँ, बट अच्छा नहीं लगेगा। इससे तो बना दिया, बस सामने की रूफ कैसे बनेगी फिर? रूफ नहीं बन पाएगी ना। तो मैं उसको तोड़ के हटा दिया और इसको फिर से बना रहा हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो देख लीजिए आप लोग। नहीं तो बाद में करेंगे, कहेंगे क्रिएटिव क्रिएटिव क्रिएटिव, तो क्रिएटिव नहीं है। देख लीजिए, आपके सामने बन रहा है सब कुछ, बस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड का डिज़ाइन पूरा बना लिया है, दूसरे साइड का डिज़ाइन भी बनाना है। ओ भाई, यहाँ पे मुझे ट्राइडेंट भी मिल जाता है भाई साहब, एक ग्राउंड को मारने से। तो आप लोगों के सामने हुआ है, आप अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी, इसलिए मुझे फास्ट फॉरवर्ड ही रखनी पड़ी। क्योंकि ये वीडियो लगभग ढाई ढाई घंटे की थी, जिसको काट पीट के फास्ट फॉरवर्ड करके आपको 12-13 मिनट में दिखाया जा रहा है। तो उसके लिए आप, तो यहाँ पे ट्रेलर कुछ भी नहीं दे रहा था, तो मैंने इसको मार दिया। तो अभी मुझे ढेर सारी स्टेयर्स बनानी है, उसके बाद लकड़ियाँ और लगेंगी। स्टेयर्स कम है क्योंकि। तो चलिए फिर से इसको स्टेयर्स ही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कम पड़ेगी तो स्टेयर बनेगी, नहीं तो प्लैंक बन जाएंगी। तो अभी इसको हम लगाना शुरू कर देते हैं। तो देख लीजिए हमने क्या गड़बड़ किया था। मुझे सिंगल डोर के लिए बनाना था, और मैंने डबल डोर बना दिया। तो पहली गड़बड़ तो ये थी, और दूसरी गड़बड़ ये थी कि मैंने डिज़ाइन ही सही से नहीं बनाई। मुझे सीढ़ी के ऊपर से बना, वॉल के नीचे से बनाना था, मैंने वॉल के ऊपर से बना दिया। मतलब वॉल के ऊपर से बनाता था, जो लकड़ी की वॉल लगाई थी बाउंड्री, उसके ऊपर से बनाता था डिज़ाइन, मैं नीचे से बना दिया। तो डिज़ाइन भी गड़बड़ हो गई थी। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे लगभग बन के तैयार हो गया है।
अब इसको अपना भर देंगे और ये अपना बन के तैयार हो जाएगा। नीचे से ऊपर से तो बन के तैयार हो गया, अब अंदर से इसको फिल कर देंगे। जो कि ये खुला हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसको अपना फिक्स कर देंगे। सारा फिल कर देंगे। मैं सोच रहा था थोड़ा खाली रख के इसमें ग्लास लगा लूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आखिर मुझे इसको तोड़ना ही है। तो चलिए सो जाते हैं। आज सुबह हो गई, स्केलेटन को भी मार दिया, क्रीपर को भी मार दिया। भाई साहब दो तो क्रीपर मारे, उसके बाद यहाँ पे मुझे ट्राइडेंट मिलता है और मुझे पता भी नहीं होता कि मेरी इन्वेंटरी में ट्राइडेंट आ गया है। मुझे बाद में रियलाइज होता है कि मुझे ट्राइडेंट मिल चुका है। तो सोच लो, तो अभी हमारा घर बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पे लगेंगे भी कुछ चेस्ट और बेड। अपना सामान रख देते हैं यहाँ पे लाके, पूरा चेस्ट लगा के उसके बाद यहाँ पे अपना बेड भी लगा देंगे। तो एक एक करके सारी चेस्टेस यहाँ पे आज आके लग जाएंगी। ये केवल टेम्प्रेरी बेस है बस बनाना, तो बिल्ड तो मैं कहीं और पे बनाऊंगा, यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, अभी यहाँ से सारा आइटम ले जाके यहाँ पे लगा देंगे। ये हो गया और आइटम रख उठा है। अभी मुझे बनाना है एक स्टोन फार्म, तो उसके लिए मुझे लगेगा जगह। तो यहाँ पे डिक कर लेते हैं 4 ब्लॉक, यहाँ पे पानी डालते हैं, ये लावा पूल से लावा ला के डालेंगे। तो यहाँ पे स्टोन फार्म भी बन चुका है। अब आगे की वीडियो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हार्ड SMP देख लेना जाके, वीडियो आ चुकी है।